सतपुड़ा के पर्वतों की रानी कहे जाने वाली पचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों के लिए अद्भुत पर्यटन स्थल है पचमढ़ी। पौराणिक और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के बाद भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान पचमढ़ी को माना जाता है। यहां भगवान शंकर के कई दर्शनीय आराधना स्थल हैं, जिनमें से आज इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे भगवान शिव का जटाशंकर मंदिर। जटाशंकर दो शब्दों से मिलकर बना है, जटा यानी केश और शंकर अर्थात भगवान शिव। जटाशंकर की यह आराधना स्थली भगवान शिव की जटाओं के समान लगती है, जिसमें पत्थरों की प्राकृतिक संरचनाएं सौ सिरों वाले दिव्य सर्प शेषनाग की तरह दिखाई देती है। जटाशंकर मंदिर के लिए जाने के लिए पचमढ़ी बस स्टैंड के पास से ही रास्ता निकलता है, जहां दोनों तरफ खड़ी पहाड़ी और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए सैलानी भक्त महादेव के धाम पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पर्वतीय पहाड़ियां कई प्रकार की जड़ी बूटियों का भंडार हैं, जिनसे अनेकों अनेक रोगों का निदान किया जाता है। मोटी बलुआ पत्थरों की चट्टानों के बीच जम्बू द्वीप से गुप्त गंगा नाम की जलधारा निकलती है। जटाशंकर धाम का उल्लेख शिव पुराण और नर्मदा पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर नामक राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने इस शक्ति का गलत प्रयोग किया और स्वयं भगवान शिव को भस्म करने के लिए चला। कहते हैं कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत छोड़कर विंध्य पर्वत मालाओं में स्थित तिलक सिंदूर से होते हुए पचमढ़ी की कंदराओं में शरण लेना पड़ा। दुर्गम पथरीले मार्ग पर चलते हुए भक्त भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, जहां एक विशालकाय चट्टान की छाया के नीचे भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग है। गुफा की बाहरी और भीतरी दीवारों पर प्राकृतिक निर्माण भगवान शिव के उलझे हुए बालों की तरह दिखाई देता है, जो यहाँ के नाम जटाशंकर को पूर्ण रूप से चरितार्थ करता है। इस मंदिर में महाशिवरात्र के पर्व पर बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पूरे भारत से दर्शनार्थी पूजा अर्चना करने के लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। शिवरात्रि और नाग पंचमी के त्योहार पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में भक्त विशेष रूप से हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जटाशंकर धाम के दर्शन के लिए भारी से भारी संख्या में यहाँ आते हैं। प्रकृति की गोद में बने इस विशाल शिवालय का प्राकृतिक वातावरण, छोटी छोटी नदियों और प्राकृतिक झरनों के गीत आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन के साथ साथ एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल भी है, जहां भगवान शिव का जटाशंकर धाम एक विशेष महत्व रखता है। यहां बड़ा महादेव, जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और नागद्वार जैसे पांच बड़े भगवान शिव के आराधना स्थल हैं, जिनके वीडियो लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे। जटाशंकर धाम की ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो लाइक करके अपने प्रियजनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो द बंजारा मैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि भविष्य में आपको इस चैनल के माध्यम से
नए नए पर्यटक स्थलों की जानकारी और घूमने का आनंद मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बंजारा मैन की तरफ से धन्यवाद।